तो आ गए हैं अब हम गांव की तरफ, ठीक है ना, गांव के खेतों की तरफ। और अब हम देखेंगे यहाँ पे जितने भी ठंड के समय पे फल सब्जियाँ उगाई गई हैं उन सभी को किस तरीके से, अब कैसे उसके बारे में जानकारी है, इस चीज़ को जानने में मदद करेगा मेरा छोटा भाई। अब वही सब आप सभी को बताएगा कि क्या क्या फल सब्जियाँ उगाई गई हैं, कैसे कैसे उगाया गया है, ठीक है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, आप सभी के लिए बड़ी मेहनत करी है मैंने, इस चीज़ के लिए मैं गाँव तक चला आया हूँ। और सारी वीडियो को पूरी देखना एंड लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि शायद से उन लोग को कनेक्ट होकर भी बड़ा अच्छा लगेगा एंड आपके दोस्तों को भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी। ओके, चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बच्चों पहला आप ये देख सकते हो, धनिया की खेती करी गई है। धनिया जो हम सभी अपने साग सब्जियों में डालते हैं, जब हम कुकिंग करते हैं तो उसके अंदर उसको सुंदर दिखाने के लिए धनिया डालते हैं ना, तो बेसिकली उसको देखिए कुछ इस तरीके से उगाया जाता है। आप लोग इसे अपने घर पे भी उगा सकते हैं। आप धनिए के दाना लेंगे एंड उसको भिगो के रखेंगे ओवरनाइट, एंड इसके बाद जब उसको आप अपने गमलों वगैरह में डाल देंगे तो आपको कुछ ही दिनों में कुछ इस तरीके से धनिया उगी हुई देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ है पालक एंड सोया। ये बेसिकली अभी इस खेत में तो पालक एंड सोया मिक्स करके बोया गया है, बाकी मैं अभी आप सभी को अलग से दिखा दूंगा कि किस तरीके से पालक अलग से बोया गया है। यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर ये जो ये पौधा आप देख रहे हो क्लोजली, ये सोया का पौधा है, ठीक है। एंड ये जो पर्टिकुलर आप पौधा देख रहे हो ये है पालक का, ओके। इसके अलावा और भी सारी कई चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि आप ये जो बड़े बड़े पौधे देख रहे हैं सामने, ये अरहर का पौधा है। अरहर की दाल खाते हैं ना हम सभी, तो ये अरहर की दाल इन्हीं पौधों से आती है। बेसिकली अभी इनके ऊपर इनके बीज आए नहीं है, फूल आ रहे हैं। अब फूल जैसे ही बड़े होंगे देन वो आपके मैच्योर होंगे, देन इसके बाद सीड्स आएंगे इनके ऊपर, उसके बाद जाके हमें दाल देखने को मिलेगी। तो ये देख लीजिए अरहर की दाल के कितने बड़े बड़े पौधे होते हैं, मैं आपको क्लोजली दिखाता हूँ। थोड़ा खेत में घुस रहा हूँ, थोड़ा डैमेज होगा पौधों को, बट स्टिल ये देखिए ये अरहर की दाल के पौधे हैं। ये देखिए अभी इसके ऊपर फ्लावर नहीं आया है, अभी बड आया है केवल। जैसे ही इसके ऊपर फ्लावर आ जाएंगे देन फ्लावर मैच्योर होंगे और तब जाके ये होगा। सो बच्चों जैसे कि हमने देखा था कि आप सभी को मैंने पढ़ाया था वीड्स के बारे में, खरपतवार, अनवांटेड प्लांट्स जो कि खेतों के बगल में उग जाते हैं, तो देख लीजिए वही है। दिखने में कितने सुंदर हैं बट यही है जो हमारे खेतों को, हमारे फसल को डैमेज करते हैं। आप देखिए इसके ऊपर फ्लावर्स भी आ रखे हैं, मैंने आप सभी को पढ़ाया था यही फ्लावर के अगर सीड्स आसपास डिस्पर्स हो जाते हैं तो वहाँ और जल्दी वीड्स उगते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के वीड हैं, कई सारी वैरायटी आप देख लीजिए, ठीक है ना, वाइड लीव्स वाले, ठीक है ना, स्मॉल लीव्स वाले, ये सारे के सारे जितने भी आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब आपके वीड्स हैं। हाँ, इसमें से एक स्नेक प्लांट है, यहाँ पर देख लीजिए ये स्नेक प्लांट ऐसे उग जाता है गाँव में, ये तो ऐसे ही मिल जाता है। आप लोग सिटीज़ के अंदर देखिए इसको 500-800 रुपये दे के हम घर के लिए ख़रीदते हैं, और ये तो आपका है ही, गेंदे का फूल है तो ये तो आप जानते ही हैं। एंड बच्चों ये देखिए आप सभी के सामने, मैंने समर के अंदर भी दिखाया था एंड अभी दोबारा दिखा दे रहा हूँ, ये है आपके सीताफल का पौधा। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी हैं। अभी इसके अंदर फल आया नहीं है, फल आएगा, बट आप लोग दोबारा देख लीजिए कि किस तरीके से ये पौधा होता है, कभी पहचानने में दिक्कत ना आए आप सभी को। सो ये इसका भी पौधा था, और आगे देखते हैं आप सभी के लिए, इस बार विंटर में कई सारे प्लांट्स हैं, पौधे हैं, तो हम उन सबको देखेंगे। एंड बच्चों ये जो नेक्स्ट चीज़ हम देख रहे हैं, इसको जैसे कि मेरा छोटा भाई बता रहा है कि इसे बरसीम कहते हैं, और ये गाय भैंसों के चारे में इस्तेमाल होती है। बेसिकली हमें कैटल्स के लिए भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, तो उनके न्यूट्रिशन के लिए भी यहाँ पर ये खेती की जाती है। तो बेसिकली ये बरसीम है, आप देख सकते हो दूर तक पूरी बरसीम की खेती की गई है, ठीक है। अभी शायद से ये पूरी तरीके से मैच्योर जब हो जाएगी, थोड़ी सी और बड़ी होगी, तो इसके बाद इसकी कटाई होगी एंड हमारे गाय भैंसों के लिए इसको काट के उनको डेली बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये बरसीम है, आप इसको क्लोजली देख सकते हो, इसके लीव्स एंड पौधे को एनालाइज कर सकते हो किस तरीके से पौधा है, ओके। एंड ये था बरसीम का खेती, और आगे देखते हैं अभी और क्या क्या चीज़ें हैं। एंड बच्चों ये हमारा नेक्स्ट खेती है, ये है मटर की। आप लोग देखिए ये क्लोजली, ये मटर का के पौधे का क्लोजअप, तो इस तरीके से मटर का पौधा होता है। एंड यहाँ से आप देख लीजिए दूर दूर तक जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से लेके वहाँ तक। हाँ, ये बीच में देखो ये स्केयर क्रो भी लगा रखा है ताकि आपके क्रोज एंड ये सब आके खेत को बर्बाद ना कर सकें। एंड यहाँ दूर तक जहाँ आप स्केयर क्रो देख रहे हो, स्केयर क्रो के उस पार तक ये पूरी की पूरी मटर की खेती की गई है। एंड इस तरफ से देखिए बैरियर भी लगा रखे ताकि कोई अनवांटेड जानवर ना आके इसको ख़राब कर सके। तो देखिए कितना ख्याल रखा जाता है फसलों का, खेतों का, पेड़ पौधों का। अभी बेसिकली इनको लगाया ही गया है,
और जैसे ही ये मैच्योर होंगे, अभी और बड़े होंगे, तब इसके अंदर से मटर हमें देखने को मिलेगी। सो ठंड के समय पे देखिए, काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिल जाती है हमें हमारे वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। ओके, और देखते हैं, अभी तो आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट पौधा है हमारा यहाँ पे, गोभी की खेती करी गई है। ये जो हम कॉलीफ्लावर खाते हैं, गोभी, सो ये गोभी के पौधे देखिए लगाए गए हैं। आज से 15 दिन पहले इनको बोया गया था, एंड 15 दिन के अंदर देखिए ये इतने बड़े हो गए। थोड़ा लेट बोया गया है इसको, लेकिन हाँ, अगले एक महीने के अंदर अंदर इसके अंदर गोभी के पूरी तरीके से मैच्योरिटी आ जाएगी, एंड गोभी हमको खेतों में देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए, गोभी का पौधा होता है। अब इसमें गोभी आई नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि जिस किसान का है उसने थोड़ा लेट बोया था, बट आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से गोभी बोई जाती है, गोभी के पौधे इस तरीके से। ये तो थी फूल गोभी, अभी मैं आप सभी को बंद गोभी के पौधा भी दिखाऊंगा कि वो कैसा दिखता है। ओके, चलिए। सो देखिए बच्चों, अब जो आपके सामने यहाँ पर फसल दिख रही है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई भी करी है, मैंने आप सभी को पढ़ाया भी है, एंड आप सब इस चीज़ को रोज़ कंज्यूम भी करते हो, खाते भी हो, एंड इसको बेहतरीन तरीके से जानते भी हो। हाँ, बट इसका पौधा आप लोग नहीं जानते। सो बेसिकली ये जो पौधा लगाया गया है यहाँ पे, जिस चीज़ की खेती की गई है, ये है गेहूँ की। आप देखिए यहाँ से दूर दूर तक, वो जो सामने बाग दिख रही है, उस बाग की बाउंड्री तक, वहाँ से लेके ये सामने ऊंचे ऊंचे खेतों के, ऊंचे ऊंचे पौधे का जो खेत दिख रहा है वहाँ तक, और यहाँ पर आप देखिए इस बाग तक, मतलब इतनी दूर तक जितनी आपको खेती दिख रही है, ये सारी की सारी गेहूं के की गई है। और इतने एरिया में अगर मैं काउंट करूँ तो लगभग लगभग काफ़ी अच्छे खासे अमाउंट में गेहूँ प्रोड्यूस होता है। आप लोग क्लोजली गेहूँ के पौधे का क्लोजअप देखिए, ये देखिए इस तरीके से गेहूँ का पौधा होता है। अभी ये लगाया गया है, ठीक है ना, ये लगभग लगभग एक महीना हो गया। हाँ, एक महीना। हाँ, इसको जैसे मेरा छोटा भाई बता रहा है कि एक महीना हो गया है लगाए हुए, तो एक महीने में देखिए ये इतना पौधा बड़ा हो गया है। इसके ऊपर आप वाटर ड्रॉपलेट्स देख सकते हो, ठंड का महीना चल रहा है तो रात को ओस गिरती है, एंड एक महीने के अंदर अंदर हमें ये फसल देखने को मिली है। अब इसकी जो कटाई होगी, इट मीन्स जो हार्वेस्टिंग होगी, वो होगी अप्रैल में, बैसाखी के टाइम पे। तब तक इसको अच्छे से बोया जाएगा, इसके अच्छे से केयर करी जाएगी, एंड तब जाके हमें अप्रैल के अंदर गेहूं मार्केट में कटा हुआ देखने को मिलेगा। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं और मेन चीज़ें देखते हैं कि क्या है, क्या क्या कैसे है। तो बच्चों देखिए, अब हमारा जो नेक्स्ट खेती है वो यहाँ पर है आलू की। आप जो यहाँ सामने पौधा देख रहे हो, ये आलू का पौधा है। मैंने आप सभी को अभी रिसेंटली जब पढ़ाया था तो देखिए उसमें बताया था कि लाइक आलू किस तरीके से उगाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इस आलू को भी उसी तरीके से उगाया गया है, एंड जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक देखिए आलू ही बोया गया है, एंड ये पूरा का पूरा आलू का खेत है। मैं लाइक यहाँ पर अभी कोशिश करता हूँ अभी आप सभी को एक पौधा उखाड़ के दिखाने की कि किस तरीके से आलू इसमें आया है या नहीं। सो देखते हैं जड़ में, देखिए आप इसकी जड़ में देख सकते हो, तो छोटा सा जो है ये आलू ही है, और अभी इसके अंदर आलू और आते, ये देखिए इसकी जड़ में आप देखिए जो वाइट वाइट है, और ये देखिए जो ब्राउन ब्राउन, ये आलू ही है। एक पौधे के जड़ों से कम लाइक 10-12 आलू निकलते हैं, एंड इस तरीके से आलू उगता है। ठीक है, तो आप सभी ने बड़ी क्लोजली इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, एंड अगेन वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा यार, आप सभी के लिए इतना मैं कर रहा हूँ। ओके, तो ये है आलू, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर मैंने एक पौधा तो बर्बाद कर दिया, बाकी और भी बड़ी खेती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें देखिए, जैसे मेरा भाई बता रहा है, इसमें लगभग 4 क्विंटल 50 kg की 4 बोरियाँ, तो यानी 200 kg इसमें आलू होगा। सो कम क्वांटिटी नहीं है, काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी है इतने से खेत में। आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो पौधा है बच्चों, वो है यहाँ पे पत्ता गोभी, ठीक है ना। एक है कॉलीफ्लावर, तो जो आपने देखा था, एंड ये है पत्ता गोभी, लाइक बंद गोभी। आप लोग चाउमीन वगैरह ये सब काफ़ी खाते हो ना, चाउमीन, मोमोज एंड ऑल दैट, उसके अंदर डालने वाली जो गोभी होती है वो यहीं से आती है। अभी इस गोभी को लगाए हुए ऑलमोस्ट एक महीना हो गया है, एंड अब इसके अंदर ऑलमोस्ट 15 दिनों के अंदर हमें पत्ता गोभी देखने को मिल जाएगी। 15 दिनों के अंदर पत्ता गोभी आ जाएगी, एंड उसके एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाएगी पूरी तरीके से, एंड तब इस पत्ता गोभी को भी हम यूज़ कर सकेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे पत्ता गोभी लगाई गई है, ज़्यादा दूर तक नहीं लगाई गई है क्योंकि उसका इतना यूसेज नहीं है, अपने यूज़ के हिसाब से यहाँ पर इन्होंने पत्ता गोभी
लगा रखी है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आप तो पहचान ही रहे होंगे इसको कि ये है बैंगन का पौधा। सो बैंगन का तो मैंने समर के टाइम पे भी दिखाया था, अब लाइक विंटर के अंदर भी इसको लगाया गया, तो देखिए इसके अंदर तो फ्रूट भी आ ही गया है। सो ये आपका बैंगन का पौधा है। लाइक बैंगन इस बार ज़्यादा लगाया नहीं गया, ऑलमोस्ट 10-12 पौधे लगाए गए हैं, तो इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा खेती नहीं है, इतना इसका यूसेज भी नहीं है, बट स्टिल ये आप सभी देख लीजिए। एंड बच्चों ये अगला हमारा प्लांट ये है मिर्च का पौधा। आप सभी इसके अंदर मिर्च देख भी सकते हो। मिर्च हमने समर के टाइम पे भी देखी थी, ठीक है ना, उसका फ्लावर एंड मिर्च मैंने दिखाया भी था। एंड इस बार देख लीजिए अगेन ये मिर्च का पौधा लगाया यहाँ पे, ये रहा इसका फ्लावर एंड ये मिर्च। एंड मिर्च के अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है, ये है हमारा टमाटर का पौधा, ठीक है। लाइक टमाटर का फ्लावर आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से है, एंड ये पूरा टमाटर का पौधा। लाइक टमाटर की इस बार अभी अगेन खेती नहीं की गई है, हाँ एक दो पौधे लगा दिए गए हैं बस, हाँ ताकि यूज़ हो जाए। तो ये है आपका अगेन टोमेटो का पौधा, टमाटर का। अब और दिखाता हूँ आप सभी को कि क्या क्या चीज़ें हैं इस तरफ जो आप खाली खेत देख रहे हो। अगेन ये गेहूं की खेती की गई है, अभी इसके अंदर पौधे काफ़ी छोटे छोटे हैं। एंड अगेन जहाँ तक आप खाली देख रहे हो वहाँ तक ही गेहूँ का खेती किया गया है, तो गेहूं इस तरह उगाया गया है, बट हाँ लेट उगाया गया है, इस वजह से इसके अंदर अभी आपको पौधे देखने को नहीं मिल रहे। अभी जो मैंने दिखाया था आपको उसके अंदर उन्होंने थोड़ा जल्दी उगा दिया था, जल्दी बुआई कर दी थी, इस वजह से वहाँ पर आप सभी को पौधे बड़े देखने को मिले थे। तो लेट बोया गया है, लेट काटा भी जाएगा इसको। और इस तरफ बच्चों यहाँ पर है ये पालक, मैंने आप सभी को उधर दिखाया था कि लाइक पालक किस तरीके से बोया गया था सरसों के साथ मिक्स करके। मैंने आपसे कहा था कि लाइक पूरा का पूरा मैं आप सभी को पालक का एक इंडिविजुअल ही दिखाऊंगा खेत, तो ये पूरा पालक का इंडिविजुअल खेत है, देख लीजिए ये इस तरीके से पालक है। हम लोग जो दिल्ली के अंदर पालक देखते हैं वो अलग वैरायटी है, ये जो पालक है ये थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, थोड़ा और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है एंड टेस्टी होता है। तो देखिए हमारे खेतों में तो इसी को लगाया गया है ना। तो ये था आपका पालक। पालक के अलावा अब हम देखते हैं अगला नेक्स्ट प्याज एंड लहसुन। तो बच्चों देखिए जैसे मैंने कहा प्याज का पौधा देखते, तो ये रहा नेक्स्ट प्याज का पौधा। तो ये बेसिकली देखिए प्याज हो रखा है, मैं आप सभी को उखाड़ के दिखाता हूँ एक। ये देखिए ये रहा प्याज, अभी पूरी तरीके से उगा नहीं है ये, अभी और मैच्योर होता, बट हाँ मैंने इसको मैच्योर होने के पहले उखाड़ के दिखा दिया ताकि आप सभी को नॉलेज मिल जाए कि किस तरीके से प्याज उगता है। तो देखिए ये पूरा का पूरा प्याज है एंड इसके ऊपर की ये लीव्स आप सभी देख के पहचान सकते हो। लहसुन एंड प्याज के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती है दिखने में, सो थोड़ा टाइम लगेगा आप सभी को ऑब्जर्व करने में। ये देखिए बाउंड्री बाउंड्री पे प्याज ही लगाई गई हैं। प्याज की जो ऊपर की लीव्स होती है थोड़ी घनी होती हैं एंड लहसुन के ऊपर की जो लीव्स होती है थोड़ी कम घनी होती हैं, दिखने में आप सभी को थोड़ी सिमिलर लगेंगी। बट अभी देखिए आप सभी को ये प्याज है, अब आपको दिखाता हूँ मैं लहसुन की, लहसुन किस तरीके से हो गया। इसको गाड़ देता हूँ दोबारा, अगर लग जाएगा ये तो ठीक है, ओके जैसे मेरा भाई बता रहा है कि ये लग जाएगा, तो इसको दोबारा देख लीजिए गाड़ दे रहे हैं। तो देखो हमने पौधा यूज़ भी कर लिया एंड उसको वेस्ट भी नहीं करा, लग गया दोबारा, तो ये उगता रहेगा। अब चलिए देखते हैं लहसुन, लहसुन कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों अगला पौधा हमारे पास ये है लहसुन का, अगर गार्लिक का ये हमारा पौधा है, तो देख लीजिए यहाँ पर यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक इसकी खेती की गई है। अब जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को लाइक लहसुन के एंड अनियन के लीव्स डिफरेंस ज़्यादा देखने में नहीं है, बट हाँ एक डिफरेंस है कि इसकी पत्तियाँ जो है इसकी लीव्स जो है कम घने हैं और अनियन के लीव्स थोड़े ज़्यादा डेंस होते हैं। मैं आप सभी को अगर इसको उखाड़ के दिखाऊँ तो मेरे भाई ने बताया कि ये अभी उतनी तरीके से ग्रो हुए नहीं है, बाकी चलो छोड़ो रहने दो, अभी अंदर इसके काफ़ी डीप ग्रो हो रखा है, छोड़िए रहने देते हैं। अभी उगा भी नहीं है पूरी तरीके से, मैच्योर भी नहीं है, तो जब होगा तब मैं आप सभी को बाद में दिखाऊंगा। तो ये था हमारा गार्लिक का यानी लहसुन का खेती। देखिए बच्चों ये हमारा अगला पौधा है, ये है अरवी का पौधा, ठीक है। आप सभी को इसके बारे में पढ़ाया था जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये वाटर रिपेलेंट है, इसकी लीव्स पर अगर आप वाटर डालोगे तो स्टिक नहीं करेगा, वो स्लाइड हो जाएगा नीचे गिर जाएगा। तो ये अरवी का पौधा है, इसको आप मार्केट में देखो तो मिलता भी है, अगर आप लोग फ्राइडे मार्केट जाते हो
तो वहाँ पर देखोगे ना कि लाइक अरवी के पौधे रोल करके बेचते हैं, इसके पकौड़े वगैरह बनते हैं, आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछेगा, काफ़ी अच्छा रहता है, टेस्टी रहता है खाने में। ये था अरवी का पौधा। ओके, आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों लास्ट में हमारे पास से सामने है मूली की खेती। सो देख लीजिए, ये जितना आप देख रहे हैं ये सारा का सारा मूली की खेती की गई है। एंड ये मूली पूरी तरीके से मैच्योर भी है, तो इसको हम उखाड़ के देख भी सकते हैं कि ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पर ये जो मूली का पौधा है, अगर आपको निकाल के दिखाता हूँ तो ये देखिए, ये है मूली का पौधा। इस तरीके से देखिए लीव्स है इसकी, एंड ये मूली है। ओके, तो ये था हमारा टोटल विंटर व्लॉग कि विंटर में किस किस तरीके से वेजिटेबल्स ग्रो की जाती है, किस किस तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं। धनिया तो देख लिया था आप सभी ने। तो ये था मेरा सारा का सारा विंटर व्लॉग। तो देखिए बच्चों, ये था ट्यूबवेल। लास्ट में देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पे खेतों में पानी दिया जाता है ट्यूबवेल के थ्रू। एंड इस तरीके से देखिए किसी के खेत में पानी जा रहा है। एंड यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज़। यहाँ पर देखिए नाली, ठीक है ना, ड्रेन, जिसके थ्रू पानी दूसरों के खेतों में जाता है। एंड ये मेन ट्यूबवेल से कनेक्ट रहता है, हर किसी के खेत में यहीं से पानी जाता है। और वो जो सामने आप देख रहे हो जंगल टाइप का, ठीक है ना, हमारे बाबा ने इसको, दादाजी ने इस आम की बाग को लगाया था। काफ़ी वैरायटी के वहाँ पे आम है। तो सामने पूरी जितनी आप दूर तक बाग देख रहे हो, एंड उसके पीछे जो आप उसके डेंस पौधे देख रहे हो ना, डेंस लास्ट में, वहाँ तक हमारी आम की बाग है। तो ये बाग है, ये ड्रेन है हमारा, एंड इसके अलावा बाकी सब तो आप देख ही चुके हो। सो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आई थिंक आप सभी को ये विंटर फार्म व्लॉग अच्छा लगा होगा। काफ़ी सामने से काफ़ी धूप पड़ रही है आंखों पे, इसलिए मैं पूरी तरीके से आँख खोल नहीं पा रहा हूँ। तो जैसा भी आप सभी को लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आप सभी को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा वेजिटेबल आप सभी को काफ़ी पसंद है इसमें से, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, क्या मैं ऐसी और वीडियो लेकर आऊँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का ऐसी सपोर्ट रहेगा तो मैं आप सभी के लिए आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलता हूँ मैं आप सभी को अगले एजुकेशनल वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।